हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरु में। आज हम डिस्कस करेंगे सीप्लाट 10 mg टेबलेट का, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके क्या यूज़, क्या डोज, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन। दोस्तों, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कोई प्रकार की डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे इस चैनल मेडिसिन गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सीप्लाट 10 की अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों, ये 15 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे 19 रुपये में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें प्रोपेरानोल हाइड्रोक्लोराइड जो कि 10 mg होती है, और ये दोस्तों सीप्ला फार्मा द्वारा बनाया गया जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब हम आते हैं इसके यूज़ की तरफ। दोस्तों, यह एक बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। एंजाइम को रोकने यानी कि सीने में दर्द, अनियमितता दिल की धड़कन को, दिल का दौरा हो, चिंता हो, माइग्रेन हो या कपकपी को दूर करने में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, इस टैबलेट के लेने के बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपको चक्कर आना, धुंधला दिखना, थकान होना, नींद आना। अगर इनमें से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो इस मेडिसिन का लेना बंद करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और दोस्तों, यह टेबलेट किस मरीज़ को नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, जिस मरीज़ को किडनी की बीमारी हो, दमा हो, शुगर की बीमारी हो, लीवर का रोग हो, इस मरीज़ को इस टेबलेट का यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार की मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।